वहीं टिहरी दौरे के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत ग्राम प्रधानों और पंचायत प्रतिनिधियों से बात की है। इस दौरान सीएम धामी ने उनकी समस्याएं सुनी और उनसे क्षेत्र के विकास के लिए सुझाव भी मांगे। हालांकि कुछ पंचायत प्रतिनिधियों की नाराजगी भी देखने को मिली। नाराजगी इस बात पर थी कि उनकी बात को रखने का मौका नहीं दिया गया। सुझाव आए और सुझाव देकर हम उनको क्रियान्वित करें और कहना थोड़ा अगर लागू करें कुछ कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। उनकी कोई परेशानियाँ हैं, समस्याएं हैं, उन समस्याओं का भी हम समाधान करें और कोशिश कर रहे हैं कि सभी जगह जाकर इसी प्रकार से लोगों के सुझाव दे रहे हैं और संकल्प के रूप में आगे जो भी हम योजनाएँ बना रहे हैं उनकी अब प्रारंभ किया है, शुरू किया है, सभी जगह कर रहे हैं। हमारे जिले में 9 ब्लॉक थे तो 9 ब्लॉक अध्यक्षों को तो कम से कम खड़ा किया जाता बोलने के लिए जो है, लेकिन केवल छठे छपायरों को खड़ा किया गया कि जो केवल सरकार की केवल जो है महत्वपूर्ण मांगों को जो है आगे रखे, महत्वपूर्ण बातों को आगे रखे और जो जमीनी हकीकत है उसको बिल्कुल न करें, उस बात बिल्कुल न रखा जाए। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी ऋषभ पंत को उत्तराखंड सरकार ने राज्य का एम्बेसडर बनाया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद ऋषभ पंत को वीडियो कॉल पर बधाई दी है। कैसे हैं ऋषभ? नमस्ते, ठीक है आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बस बढ़िया, कैसा चल रहा है आजकल? बस सर, प्रैक्टिस वगैरह चल रही थी बस, और आप बताइए सर? बस ठीक है। आइए, कब आएंगे इधर? हम लोग आपको जो है ना यहाँ पर करते हैं, आप आएंगे तो अच्छा लगेगा हम लोगों को। थैंक यू अपॉर्चुनिटी देने के लिए, मैं कुछ आइए। बहुत सारे बच्चे हैं हमारे, नए नए बच्चे, सब आपसे प्रेरणा लेंगे, सब लोग है ना इस फील्ड में और आगे जाएंगे, क्रिकेट की दुनिया को अपनाएंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड आ रहे हैं। नड्डा 26 दिसंबर को देहरादून दौरे पर होंगे और इस दौरान वो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। इसके साथ ही चुनाव के लिए गठित की गई चुनाव प्रबंधन समिति के साथ उनकी मीटिंग भी होने वाली है। संगठनात्मक बैठक होगी, पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, पार्टी के अन्य जो लोग अन्य उस पर काम कर रहे हैं, सभी लोगों से वो वार्ता चर्चा करेंगे और इसमें कोई पब्लिक मीटिंग्स के कार्यक्रम नहीं है। वर्तमान की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, आगे कैसे कैसे हम लोगों को काम करना है, ये सारा मार्गदर्शन जो है भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे। उधर हल्द्वानी में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां चल रही हैं। 30 दिसंबर को पीएम मोदी हल्द्वानी दौरे पर होंगे और इस दौरान पीएम एक रैली को संबोधित भी करेंगे। पीएम की रैली को लेकर बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग हो चुकी है। मोदी की रैली संभावित 30 तारीख की है और भाजपा की हर बूथ स्तर तक इसकी बैठकें हो गई हैं और बड़ी मात्रा में लोग आएंगे। मोदी का तो अपना क्रेज है, इतना वैसे ही लोग आने वाले हैं, थोड़ा प्रयास भी करेंगे, बहुत लाखों की संख्या में लोग हैं।